तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, इसी कीमत पर भी? इसी कीमत पर नहीं सर। क्या पवन सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है? पवन सिंह का तो यही कहना है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर सियासत तेज होने लगी है। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी गायक पवन सिंह ने साफ किया है कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने माना कि उनके ऊपर दबाव है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि माँ का नामांकन भी इसी संबंध में कराया है। आपकी माता जी ने भी कल नामांकन कर दिया है, तो एक ही क्षेत्र में दो लोग ऐसा क्यों? वजह क्या रही सर? अच्छा, जितने हमारे मीडिया से भाग गए सबको पहले प्रणाम। वजह क्या है ये हम ही बताएं, आप लोग नहीं थोड़ा सोच सकते हैं? एक भाई जो आपके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है, बाधाएं कितनी आ रही हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है, और चलना भी चाहिए किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। सर बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे हैं? बीजेपी वाले कहीं आप पे दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज़ में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है सर, ऐसा नहीं है। बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ, तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा। अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की, पर उनका, प्रेम कुमार का कहना यह था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से, और कार्रवाई भी की जाएगी। तो भैया थोड़ा तुम जो हम कलाकार हैं, क्रिमिनल है, कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। साथ ही पवन सिंह ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हाल में वो अपना नामांकन वापस नहीं लेने वाले हैं। काराकाट में मुझे जो बातें आ रही हैं कान में कि आपकी इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है, ये है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो सबका आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यहां के विकास को लेके। तो सर माना ये जाए कि पवन सिंह अब नामांकन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, इसी कीमत पर भी? इसी कीमत पर नहीं सर। बीजेपी के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भोजपुरी स्टार पवन सिंह नहीं माने, और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से उन्होंने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर न सिर्फ अपना नामांकन दाखिल किया, बल्कि लोगों की भारी भीड़ जुटाकर एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया है। काराकाट के चुनावी मैदान में पवन सिंह के उतरने के बाद अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, और कहा जा रहा है कि पवन सिंह की वजह से काराकाट में एनडीए का गणित गड़बड़ा सकता है। बता दें कि काराकाट सीट पर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन समर्थित सीपीआई के माले से राजाराम कुशवाहा भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की एंट्री के बाद से एनडीए को अपना सवर्ण वोट बैंक बिखरने का डर सता रहा है।